हमारा कानून कहता है कि अगर नाबालिग शादी करता है तो वो जेल जाता है, लेकिन नाबालिग अगर एक बच्ची से रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उसको माफ़ी मिलती है। तो ये हमारा कानून कहता है। और जो उसने सेल्फी डाली है वो 2013 में ही खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिसंबर में रिव्यू डाला था, उसमें ये लगाया था, वहाँ खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में इसी पे उसको पेनाल्टी लगी है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया था, गुमराह किया था कोर्ट को, तो उसको पेनाल्टी लगी है। लेकिन वो जो मर्सी और क्यूरी उसको डालनी चाहिए वो नहीं डाल रहा है। तो इसका कुल मिला के यही है कि किसी तरह फांसी के डेट को लंबा खींचा जाए। एक बार बढ़ा दिया गया है, दूसरा बार भी वही ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि ये हाई कोर्ट कह रहा है कि ये केस को खींचने की साजिश हो रही है, पटियाला कोर्ट में जज कह रहे हैं कि अब कितने डिले करोगे, सबको पता है, लेकिन सब लोग उसी के सुन रहे हैं, मुजरिमों के सुन रहे हैं। यानी आप मानती हैं कि अपराध अगर बराबरी का है तो सजा भी सबको बराबरी की मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये हमारा कानून उनको छूट दे रहा है कि बड़ी बड़ी घटनाएं कर दो, बच्ची के साथ गैंग रेप करो, बच्ची को मर्डर कर दो, और जब सजा की बात आए तो कहो कि सर हम जुगनाइल थे, तो हमने कहा था कि बेटी के साथ क्राइम करो। तो मैं भी कोर्ट से ही मांग करती हूँ कि जो भी ऐसा हिमाकत करता है, कोर्ट को जो वकील गुमराह करता है, तो जिस तरह से हाई कोर्ट उसको पेनाल्टी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको पेनाल्टी लगाए कि वो सबको पता है कि जानबूझ के केस को डिले कर रहा है, इसका कोई मायने मतलब नहीं है जो आज उस पर सुनवाई है, कोई मायने मतलब नहीं है। दो बार तीन बार हर जगह से खारिज हो चुका है, लेकिन केस को डिले करने के लिए ये हर हथकंडे अपना रहा है। तो मैं यही करना चाहती हूँ कोर्ट से, सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत सातिर है, साजिश के तरह इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं, तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर करे, आज एक गाइडलाइन निकाले कि ये जो भी हैं इनका अधिकार अब सब खत्म हो गया, बहुत इनको टाइम मिल गया, और अब इनको 1 फरवरी को फांसी हो।